नमस्ते, बहुत स्वागत है आप सभी का जनहित टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल और इस वक्त हम लोग प्रगति मैदान में मौजूद हैं और यहां पर लगा हुआ है बिजनेस का अमृत महोत्सव। मैं हाँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये बोर्ड है और ये हॉल नंबर 5 है। यहां पर फ्रेंचाइज इंडिया 2023 19th इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी एंड रिटेल शो जो है वो चल रहा है, जो 15 और 16 यानी कि 2 दिन तक चलेगा। यहाँ पर 700 प्लस कंपनियाँ जो हैं वो यहाँ पर आई हुई हैं और सबसे ख़ास बात इसकी यही है कि यहाँ पर 30 से ज़्यादा जो है वो इंटरनेशनल कंपनियाँ एक साथ पहली बार जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। हालांकि इसमें बहुत सारी इंटरनेशनल और नेशनल कंपनियाँ हैं जो फ्रेंचाइजी देने के लिए यहाँ पर आई हुई हैं, तो हम अभी इसके अंदर जाने वाले हैं और आपको भी दिखाने वाले हैं कि कितनी वेराइटीज़ की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हैं, कितनी वेराइटी के स्टॉल्स लगे हुए हैं और किस कंपनी की क्या खासियत है और क्यों उन लोगों ने ये बिज़नेस शुरू किया है और वो उनका आगे का मोटिव क्या है। तो आइए चलते हैं मेरे साथ, देखते हैं फ्रेंचाइज इंडिया 2023। मैम, फ्रेंचाइज इंडिया के प्रोग्राम में आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? ओके, आई वांट टू कंग्रेचुलेट द फ्रेंचाइजी इंडिया। दिस इज़ अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म बिकॉज अ लॉट ऑफ आवर फ्लेजलिंग एमएसएमईज एंड एंटरप्राइजेस, दे आर स्टिल नॉट फुली अवेयर ऑफ व्हाट ब्रांडिंग, यू नो व्हाट ब्रांडिंग इज, व्हाट फ्रेंचाइजी इज, हाउ दे कैन एस्केलेट एंड स्केल अप देयर बिजनेस। दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स दैट एवरी serious entrepreneur should take. So I congratulate the Franchisee India for organizing these things, and whoever had come to participate here, I'm very sure it's going to be a very big learning time, and this is going to help the companies grow and then enter into the global value chain. So congratulations. Ma'am, ye jo expo lagaya gaya hai, do you really think it's work? Yes, this kind of platforms are very very important because we are a 1.4 billion people, and then our MSMEs are all over with every sphere, every sector covered. So this is a very very important program. So I really congratulate the Franchisee India. जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनको क्या कहना था? Never take lightly whatever you are doing. If you are serious, go for it, and you have to look into details. And if you look into details for your company to go long haul, then you will find that franchisee is a very important component. So congratulations again. Gaurav Maria hun, chairman of Franchise India Group. Franchise India world ki sabse badi franchise organization hai, aur hum India mein 97 cities mein operate karte hain, aur ग्लोबली 8 कंट्रीज़ में ऑपरेट करते हैं। और इंडिया जो है आज की डेट में फ्रेंचाइज़ की सेकंड मार्केट बन गया है, और ग्लोबली फ्रेंचाइज़ जो है इकॉनमी में $4.7 trillion कंट्रीब्यूट करता है, और इंडिया सेकंड मार्केट है अमेरिका के बाद, फर्स्ट अमेरिका है। और अगले 10 सालों में हम अमेरिका जितनी बड़ी मार्केट बन जाएंगे, और उसके पीछे 2 कारण है। इंडिया की स्टार्टअप स्टोरी, हर आदमी को अपने लिए व्यापार करना है, तो ये अकेला शो है जो आप देख रहे हैं जहाँ पे लोगों को अपने लिए व्यापार मिलता है। ऐसा कोई दुनिया में एग्जांपल नहीं है, जहाँ पर आप शो में आएँ तो आप कोई भी अपने लिए बिज़नेस खरीद सकते हैं। 5 लाख रुपये से लेकर 500 करोड़ तक का कोई भी बिज़नेस आपको चाहिए हो तो इस शो में आपको मिल जाता है। प्लस आपको फाइनेंसिंग मिलती है, बड़ी बड़ी कंपनीज HDFC, टाटा, दे आर ऑल्सो फाइनेंसिंग यू कि आपको बिज़नेस खरीदा आपने और आपको उसके लिए फंडिंग भी ये प्रोवाइड करते हैं। और फ्रेंचाइज इंडिया आपको हेल्प भी करता है कि कैसे आप अपने लिए बिज़नेस चुनें, क्योंकि बहुत लोग जो पहली बारी बिज़नेस लेते हैं, 45% लोग जो हैं वो जो बिज़नेस खरीदते हैं वो फर्स्ट टाइम बिज़नेस बायर हैं, उन्होंने ज़िंदगी में कभी बिज़नेस नहीं किया, तो जब वो अपने लिए बिज़नेस खरीदते हैं तो उनको हेल्प चाहिए होती है कि कैसे वो अपने लिए राइट बिज़नेस चुन पाएँ। तो हमारी बहुत बड़ी एडवाइजरी टीम है, ओवरऑल 1200 लोग हैं फ्रेंचाइज इंडिया में, जो आपको राइट गाइड भी करेंगे कि आप कौन सा बिज़नेस को खरीदें। जैसे एक वुमन एंटरप्रेन्योर है, उसके लिए कौन से बिज़नेस अच्छे हैं, उनके लिए एजुकेशन, प्री स्कूल, ब्यूटी बिजनेसेस, ऐसे ही कोई प्रोफेशनल है उसके लिए अलग बिजनेसेस, तो हर तरह के बिज़नेस हम प्रोवाइड करते हैं। ये 26th ईयर है, 25 साल हो गए। नहीं, दिल्ली ऐसे तो एक्सपो हमारा जो है वो 200 सिटी में होता है, लेकिन फ्लैगशिप शो जो हमारा है वो दिल्ली में होता है,
क्योंकि उसके दो कारण हैं, एक तो हम हेडक्वार्टर दिल्ली में हैं, दूसरा प्रगति मैदान इतना बड़ा वेन्यू इंडिया में कहीं नहीं है, तो ये अच्छा वेन्यू है इतना बड़ा शो करने के लिए। सर ऐसा कहा जा रहा है कि इस एक्सपो में इस बार 30 इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं वो जुड़ी हैं न्यू आपके साथ। एक्चुअली ज़्यादा जुड़ी हैं, 30 कंपनियां तो खुद से ट्रैवल कर रही हैं जो यहाँ आई हुई हैं, लेकिन 120 से ज़्यादा ब्रांड्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल, जो 2000 से ज़्यादा करोड़ इन्वेस्ट करेंगे अगले एक साल के अंदर इंडिया के अंदर। 750 ब्रांड हैं अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, और 40,000 इन्वेस्टर इस शो में आएगा। और एक बहुत बड़ी बात है कि आप देख सकते हैं कि दिल्ली में मीडिया में कैसा चल रहा है कि पानी भरा हुआ है, कोई आ नहीं सकता है, और आप अगर चक्कर लगा के देखें तो आपको लगेगा ऐसा कुछ नहीं है। ये स्पिरिट क्या है, ये स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है कि लोग अपने लिए व्यापार के लिए कुछ भी कर रहे हैं देश यहाँ पर आने के लिए, बेशक उनको थोड़ी कठिनाई भी होती है, तब भी वो लोग 40,000 लोग यहाँ पर इसमें आएंगे। हाँ, तब तो कोई फ्रेंचाइज का वर्ड नहीं समझता था, उसको 25 साल लग गए धीरे धीरे करके, लोगों को समझाते रहे, कारवा बनता गया। देखिए, मैं बहुत बिलीवर हूँ इंडिया के स्टोरी को लेकर। मैं जब 25 साल पहले इंडिया वापस आया था अमेरिका से, तो मेरा बिलीव यही था कि मैं दुनिया की कंपनीज़ को इंडिया लेकर आऊँ, और अब हम एक और रास्ते पे हैं कि हम इंडियन कंपनीज़ को ग्लोबल लेकर जाएं। तो ये बहुत बड़ी वो है, और आज के हमारे जो पर्टिकुलरली प्रधानमंत्री हैं वो बहुत हेल्प कर रहे हैं इंडिया की स्टोरी को इंटरनेशनली पोजिशन करने के लिए, और वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि बहुत सारे कंट्रीज़ अब इंडिया को देख रहे हैं और इंडियन बिजनेसेस और इंडियन ब्रांड्स को प्रेफर कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इंडियन ब्रांड्स के लिए, इंडियन सर्विसेज के लिए, कि वो लोग अपने आप को अलग अलग मार्केट्स में ले जा पाए। सर ऐसी कोई कंपनी है? बहुत सारी हैं, मतलब ऐसे तो हमारे साथ अमूल भी जुड़ा हुआ है, और अमूल की सबसे ज़्यादा 15,000 फ्रेंचाइज है इंडिया के अंदर। मदर डेयरी जुड़ा हुआ है, तो मदर डेयरी की बहुत फ्रेंचाइज हैं, बट ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं जिनकी फ्रेंचाइजिंग बहुत अच्छी है। अब सारे बड़े कॉरपोरेट जो हैं इंडिया के, उस सबके सब फ्रेंचाइज करते हैं, बेशक वो टाटा हो, बेशक वो महिंद्रा हो, और फ्रेंचाइजिंग और स्टार्टअप बहुत करते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप भी फ्रेंचाइज देते हैं अपनी। सो ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, और हर साल 25-30% ग्रोथ है इस इंडस्ट्री की। जैसे आपको 25 साल का सफ़र हो गया क्या करते हो, 25 साल सफ़र में बहुत सारी दिक्कतें भी आई होंगी आप सामने, तो उनसे कैसे आपने कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं? देखिए कुदरती, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी ने 25 साल ग्रोथ देखी है, तो हम क्योंकि इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए हैं तो हमने भी ग्रोथ देखी है। हाँ, परेशानियाँ आती हैं, परेशानी तो कोई भी बिज़नेस करें या कुछ भी करें, या आप प्रोफेशनल भी हों तब भी परेशानी आएगी, जीवन है में तो कहीं ना कहीं परेशानी आनी है, बट अगर इफ़ यू हैव अ राइट विजन यू विल अचीव इट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो आप 25 सालों से हैं और आपका बिज़नेस इतना सस्टेन कर गया, कुछ टाइम पहले कई रिपोर्ट आई हैं और सबने ये सजेस्ट ये दिखाया है बताया है कि जो स्टार्टअप होते हैं ज़्यादातर अपने शुरुआती 5 सालों में ही बंद हो जाते हैं, 90% के आसपास तक शुरुआती 5 सालों में बंद हो जाते हैं। आपने 25 साल पहले ही उस टाइम पर सोचा जब कुछ था भी नहीं, और अब सारी चीज़ें बिल्कुल, तो आपने वो सस्टेन किया, तो क्या बता सकते हैं कि क्या गलती हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ चूक रहे हैं स्टार्टअप्स की वो लोग ये नहीं कर पा रहे, ये वो सस्टेन नहीं कर पा रहे? सो ये गुड क्वेश्चन है। एक तो बहुत सारे स्टार्टअप्स जो हैं वो रियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे। तो जब तक आप कोई भी बिज़नेस को बनाना चाहें, अगर कोई बड़ा बिज़नेस बनाना चाहें, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप क्या जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अगर वो जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है तो वो स्टार्टअप कभी भी सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा। जैसे मैं क्लियर था कि मुझे प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ मैं लोगों को व्यापार चाहिए, तो मैं अकेला प्लेटफॉर्म हूँ। हाँ, जैसे आपको आज प्रॉपर्टी खरीदनी है तो 1 मिलियन ब्रोकर है हिंदुस्तान में जो आपको प्रॉपर्टी दिला सकता है, लेकिन अगर आपको अपने लिए चलता बिज़नेस खरीदना है तो कोई नहीं था। तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत स्ट्रांग थी, और वो आज भी स्ट्रांग है। आज भी हर घर के अंदर एक आदमी है जिसको अपने लिए व्यापार चाहिए। यंगस्टर जो कॉलेज में पढ़ते हैं उनको अपने लिए बिज़नेस करना है, कोई आदमी नौकरी छोड़ता है उसको अपने लिए बिज़नेस करना है।
तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये बहुत ज़रूरी है। कई स्टार्टअप ऐसे बनते हैं जो जिनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रांग नहीं है, तो फिर वो सस्टेन नहीं कर पाते, वो बिजनेस मॉडल सस्टेन नहीं कर पाते। और आप यूनिकॉर्न पर कुछ कहना चाहेंगे क्या? आजकल हर स्टार्टअप चाहता है कि मैं यूनिकॉर्न बन जाऊं। नहीं, वो हर स्टार्टअप नहीं कम चाहता है, उसके जो इन्वेस्टर होते हैं वो चाहते हैं कि स्टार्टअप जल्दी जल्दी यूनिकॉर्न हो जाए, कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मल्टीप्लाई कर जाए। और इसमें मेरा जो विचार है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जबकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी ग्रोथ को लाने के लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल स्केलेबिलिटी इवेंचुअली इन्वेस्टर का पैसा बर्बाद करेगी, और फिर वो कंपनी ज़बरदस्ती जाके आईपीओ कर देती हैं, जब वो आईपीओ करती हैं तो आईपीओ परफॉर्म नहीं करते, तो रिटेल का इन्वेस्टर का भी पैसा बर्बाद होता है। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, अच्छी कंपनीज़ को बैक करना चाहिए फाइनेंस से, लेकिन उनसे हाइपर ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ के लिए दिखाने के लिए बढ़ते हैं तो वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे अपनी ग्रोथ को, और इवेंचुअली जो रिटेल इन्वेस्टर है, आप और मेरे जैसे लोग जब शेयर खरीदते हैं उन कंपनीज़ के, उनका नुकसान हो जाता है। सो दैट आई थिंक वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। वो भी उसके लिए भी फंड बहुत है। एक्चुअली आज से 5 साल पहले मैं मानता था कि फंडिंग अवेलेबल नहीं है, लेकिन आज बहुत स्कीम्स हैं, सरकार की बहुत स्कीम्स हैं, बैंकिंग की बहुत स्कीम्स हैं, NBFCs की बहुत स्कीम है, पीयर टू पीयर लेंडिंग की बड़ी स्कीम्स हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए अलग स्कीम्स हैं, तो आज फंडिंग अवेलेबल है। और ऐसा भी है कि बहुत छोटे बिजनेसेस भी अवेलेबल हैं, आप 1-2 लाख रुपए में कोई कोरियर का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आज आप सबसे छोटी फ्रेंचाइज इंडिया के अंदर जो है वो ऊबर है, आज एक ड्राइवर खुद की ऊबर गाड़ी ले लेता है और ऊबर चलाता है, तो वो भी एक फ्रेंचाइज है, तो वो भी अपने आप को 50-60 हज़ार रुपया महीना कमा लेता है। तो ये बड़ा अच्छा टाइम है इंडिया के लिए, कि इंडियन इकोनॉमी के लिए, कि माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रही है और वही जॉब क्रिएशन करेगी, वो जॉब क्रिएशन करने से ही हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, क्योंकि हमारे छोटे छोटे सिटीज़ में हम कहीं और से जॉब नहीं ला सकते, ये छोटे बिजनेसमैन ही हैं जो जॉब क्रिएट करेंगे। जैसे आप जो तो बता रहे हैं कि आप फाइनेंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो उसके साइड इफेक्ट भी हो रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं, पता लगता है थोड़े से दौड़े लुढ़क गए। नहीं, वो देखिए किसी भी इकोनॉमी की जब हाइपर ग्रोथ होती है तो बहुत सारे अच्छे केसेस और बैड केसेस होते हैं, लेकिन वही हमारे को लर्निंग देते हैं, लोग समझदार हो रहे हैं। अब आज की डेट में आप जैसा ही मीडिया कोई भी कंपनी आईपीओ करने लगती है स्टार्टअप, तो लिखता है कि भैया इसकी वैल्यूएशन ख़राब है, तो कई आईपीओ अटके हुए हैं नहीं हो पा रहे, क्योंकि मीडिया स्ट्रांगली लिख देता है कि भैया इसको अपनी वैल्यूएशन ठीक नहीं है, क्योंकि सब लोगों को बड़ी कंपनीज जो पेटीएम और इन कंपनी वजह से जो नुकसान हुआ तो वो बहुत कॉन्शियस हो गए हैं। तो ये सब सिस्टम करेक्ट्स इटसेल्फ, एक बढ़ती हुई इकॉनमी के अंदर बहुत सारी करेक्शंस खुद से होती हैं और होनी भी चाहिए। और लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। जब मैंने बिज़नेस शुरू किया तो एक आम रिटेल इन्वेस्टर के पास चॉइस नहीं थी, वो कोई भी उसको फंसा लेता था, लेकिन आज आप ये देख रहे हैं यहाँ पर जितने रिटेल इन्वेस्टर जो गलियों में घूम रहे हैं, ये शाम को घर जाएंगे ना, इनके हाथ में 100 कंपनियों की डिटेल होगी, फिर ये घर बैठ के सोच सकते हैं कि भैया मुझे 100 में से कौन सा लेना है। ये बायर मार्केट बन गया है, ये सेलर मार्केट नहीं है। ये सेलर तो बेचारे ICICI से लेकर डाउन द लाइन सब लगे हुए हैं कि भैया मेरा फ्रेंचाइज ले लो, ये बायर का चॉइस है उसको कौन सा लेना है। तो ये चॉइस जो है ये एजुकेट करती है उसको कि वो अपने लिए राइट बिजनेस करते हैं। हाँ जी, एजुकेशन से, एजुकेशन बहुत करते हैं। अभी हमारा SME का सेमिनार चल रहा है, बहुत ज़्यादा एजुकेशन देते हैं उनको समझने के लिए कौन सा बिज़नेस चुने। और ये एक दिन स्पेंड करना है इस शो में, अगर आप ईमानदारी से करें तो आपको कम से कम 100 डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के बारे में पता चल जाएगा। हर आदमी आपको बेचने की कोशिश करेगा, आपको शाम तक समझ में आएगा इसका लूँ या उसका लूँ। यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, यहाँ पे इंडिया के टॉप ब्रांड्स हैं, मतलब वो शायद टाटा हो, ICICI हो, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, पुराने क्लासिक कंपनीज लाइक बाटा है, और आपको नए स्टार्टअप भी मिलेंगे, राइट। और आप हाँ, मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा, मेरे पास फॉर्चुनेटली कोई बड़ा कंपटीशन नहीं आया, मेरा पास 90% मार्केट शेयर है, लेकिन ये लीडरशिप मैं बोलता हूँ, मैं ऐसे एरोगेंस नहीं कहता हूँ, मतलब थोड़ा सा ईश्वर का आशीर्वाद भी है। देखिए वही बता रहा हूँ कि इकोसिस्टम अब मैच्योर हो रहा है, लेकिन ये जर्नी जो इंडिया की स्टार्टअप इकोसिस्टम की है ये सिर्फ एक डेकेड की है, इससे पहले की नहीं है।
तो अभी इन्वेस्टर भी मैच्योर हो रहे हैं, स्टार्टअप्स भी मैच्योर हो रहे हैं, और हम और आप जैसे लोग जो उनको ऑब्जर्व करते हैं या उनके बारे में लिखते हैं या वो करते हैं, हम भी मैच्योर हो रहे हैं, राइट। तो आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक। इंडियन इकॉनमी $5 trillion की होने वाली है, ऐसी इकॉनमी दुनिया में नहीं है। तो एक बात श्योर है कि जो यहाँ हो रहा है वो दुनिया में कहीं नहीं हो रहा है, तो वी शुड बी वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस पीस। एंड थोड़ा सा कंसर्न मेरा है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एक आदमी के लिए आसान करना है, तभी ये ग्रोथ सस्टेन हो पाएगी। अगर हर आम आदमी को एक बिज़नेस शुरू करने के लिए, जैसे अब ये कल डिसाइड करें कि मुझे अपना नौकरी छोड़ कर बिज़नेस शुरू करना है, तो ये 10 दिन में अपना बिज़नेस शुरू कर पाएँ। इनको बैंक भी सपोर्ट करें, इनको लोग भी करें, इंस्टीट्यूशन भी करें, एडमिनिस्ट्रेशन भी करें, ROC भी करें, तो सिंगल पॉइंट आदमी बिज़नेस शुरू कर पाए तो इसकी बहुत बड़ी ग्रोथ होने वाली है। सो उनके लिए सिर्फ ये है कि जब भी आप बिज़नेस को ख़रीदें, 3 चीज़ों को करें। पहली इन्फॉर्मेशन, ये आपको शो इन्फॉर्मेशन देता है। दूसरा इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट करिए आपके लिए क्या सही है, क्योंकि हर इंसान यूनिक है, उसकी ज़रूरतें यूनिक हैं, उसकी रिस्क की एपेटाइट यूनिक है, कि भाई हर आदमी बहुत रिस्क नहीं ले सकता है। अब ये एक स्टेज पे लेंगे बिज़नेस तो बोलेंगे भाई इस उम्र में मैं इतना रिस्क क्यों लूँ, ठीक है ना। और यंगस्टर लेगा शायद वो और ज़्यादा रिस्क ले सकता है। थर्ड, नेगोशिएट करें, बेशक बड़ी से बड़ी कंपनी से काम करें, जब बिज़नेस खरीद रहे हैं आप तो उसको नेगोशिएट करिए, राइट कॉन्ट्रैक्ट करिए, राइट लीगल एडवाइस लीजिए, क्योंकि आपका हार्ड अर्न्ड मनी है, यू कैन नॉट इन्वेस्ट विदाउट थिंकिंग। ये प्रोसेस, मैं हर को बोलता हूँ ये प्रोसेस करिए, 90% आप सक्सेसफुल होंगे। जल्दबाजी मत करिए। बहुत सारे लोग आते हैं बाहर से, वो पहले बूथ में जाते हैं, उसी में उसको लगता है कि बहुत तो बहुत पैसा कमा सकता हूँ, उसी में साइन कर लेते हैं, बाकी देखते ही नहीं है। तो ये टाइम इन्वेस्ट करने का नहीं है, यहाँ इन्वेस्ट मत करने आइए, यहाँ एक्सप्लोर करने आइए। एक्सप्लोर करने के बाद जो आपको समझ में आए कंपनी को विजिट करने का, फिर इन्वेस्ट करिए। थैंक यू वेरी मच। फ्रेंचाइज इंडिया 2023 का एक्सपो दिल्ली के प्रगति मैदान में लगा हुआ है, और हम भी ये जो है एक्सपो पूरा घूम चुके हैं और आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा चुके हैं कि क्या कुछ खास इस एक्सपो में है और आपके लिए वो कितना बेनिफिशियल जो है वो हो सकता है। अब हर घर में जो रहने वाले लोग हैं वो खुद अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, फिर चाहे वो छोटा बिजनेस हो या फिर बड़ा बिजनेस। फ्रेंचाइज इंडिया के जो ऑनर हैं उनसे भी हमने बात की है, और उनकी जो उनका जो मोटिवेशन है वो लोगों को किस तरीके से मोटिवेट करते हैं उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में हमें बताया है, आप इस इंटरव्यू के माध्यम से सुन ही चुके होंगे। तो खैर, जो यहाँ पर ये जो एक्सपो लगाने का जो मोटिव है वो काफ़ी पॉजिटिव है। सभी को हर घर में एक बिजनेसमैन लाने की जो पहल यहाँ से की गई है वो बहुत अच्छी है। ये 19th जो है एक्सपो लगाया गया है, अगर आप देखेंगे तो इस समय भी अभी भी जो है ये लगभग जो है एक्सपो ख़त्म होने वाला है, लेकिन फिर भी भीड़ जो है वो यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिल रही है। ये जो आप कॉर्नर्स देख रहे हैं ये सब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, अगर कोई भी यहाँ पे विजिट करने के लिए आता है तो वो अपना टोकन जो है वो यहाँ से ले सकता है, कैरी बैग ले सकता है। अगर उसको यहाँ पर जितनी भी कंपनीज आई हुई हैं उनकी फ्रेंचाइजी लेनी है तो यहाँ पर आके बात कर सकता है, उनसे डिटेल्स ले सकता है और कैसे वो अपना बिजनेस जो है वो उनकी फ्रेंचाइजी के थ्रू स्टार्ट कर सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप किस बिज़नेस से जुड़े हैं और आप उसमें कितनी रुचि रखते हैं या रखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।